नमस्कार दोस्तों, भेल शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 1.29% की क्लियर आपको गिरावट नजर आ रहे हैं। तो उसी के साथ आप देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में एक रेड कैंडल बना है। पिछले कई दिनों से स्टॉक में लगातार रेड रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल आ रहा है क्या और भी गिरावट आ जाएगा या स्टॉक में तेजी आएगा, तो क्या टारगेट रहेगा, क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। जैसे दोस्तों आप देख रहे हो भेल शेयर स्टॉक अब एग्जैक्टली एक हायर है का कंडीशन बना के स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ साथ स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगा 334.75 रुपये को, सपोर्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर है जो कि अराउंड 286.5 में आ रहे हैं, और इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है 246 का, और उसके बाद 209.40 रुपये के पास में। तो उसी के साथ साथ दोस्तों आप ये भी देख सकते हो कि स्टॉक अब एग्जैक्टली इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक बार बार हमारा जो ट्रेल लाइन है उसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहा है। तो जैसे स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा स्टॉक इजीली अपना 334.75 का जो टारगेट है उसको हिट करेगा। बाकी इसको ब्रेकआउट करने के बाद क्या क्या टारगेट रहेगा वो भी हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे, राइट। तो अभी की कंडीशन को अगर समझेंगे तो ओवरऑल स्टॉक एक सपोर्ट जोन के पास में है, तो मैक्सिमम संभावना है कि स्टॉक ऐसे को सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज अब बहुत बार इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल 305 को फॉलो करना है, अगर इसको ब्रेकआउट करे तो फिर 327 को, देन 334 का। तो ये दोस्तों एक सपोर्ट लेवल और भी आप फॉलो कर सकते हो जो कि आपको 267 के पास में देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्टॉक अभी जहाँ पर एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में, तो यहाँ पर दोनों साइड का मूवमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम संभावना रहेगा ऑफ साइड, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर सभी कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन किया, स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ बनाएगा तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।